previous. So hey guys, today in my new vlog number 2020. तो यार लाइफ में हुई है कुछ नई चीजें ऐड. अच्छा पहले बता दूं कि ये मुझे टीका लग रहा है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आज पहला नवरात्र है तो पूजा हुई थी तो इसीलिए. तो जैसे कि पहले मैं था ऐसा और अभी रिसेंटली मैं हूँ ऐसा. हाँ मतलब कह सकते हो कि मेरे चश्मा लग गया बट परमानेंट नहीं. ठीक है तो हाँ पर पहले कमेंट में कोई चश्मिश नहीं दिखेगा. ठीक है ना. तो कैसा लग रहा हूँ मैं? मतलब कि यार कमेंट में बता दो फटाफट से कि ये चश्मा ये फ्रेम अच्छा लग रहा है या नहीं. ठीक है और इसका पूरा मैं बताऊँ प्रोसेस कि क्या हुआ है मेरे साथ, ऐसा क्या नहीं हुआ है कि जो ये लगा. ठीक है और इसकी कॉस्ट क्या थी और ये मैंने कहाँ से लिया और 3 दिन का रिव्यू. ठीक है मैं 3 दिन लगाऊंगा, 3 दिन देखूंगा कि क्या फील हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, फिर वो सब मैं रिव्यू बताऊंगा. ठीक बाकी देख लेना. ठीक है तो दूसरा दिन आज हमारा और मैं रिव्यू देने वाला हूँ मेरे स्पेक्स का जो कि रहे ये. अब कुछ लोग बोलेंगे कि पहना क्यों नहीं, पहना क्यों नहीं, इसीलिए क्योंकि ये परमानेंट नहीं है पहली चीज़ तो, और ये मेरे नंबर के भी नहीं है क्योंकि मैं काम करता हूँ लैपटॉप पर सारा सारा दिन कंप्यूटर पर, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ जाती है. ठीक है क्योंकि उसकी जो रोशनी होती है सीधा होए पड़ती है और मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आंखें ख़राब हो गई तो सब कुछ. ठीक है तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि आंखों पर रोशनी पड़ती है तो आंखों का जो रेटिना होता है हमारा वो ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए मैंने स्पेक्स प्रेफर करे अपने आप को ताकि मेरी आँखें प्रोटेक्ट हो सके इससे. और ये कंप्यूटर लेंस है वैसे भी. ठीक है और जो उसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का नहीं है, वो मेटल का है. मैंने पता है दुकान पे गया और 10 चश्मे देखे कम से कम, पर मैंने बोला यार नहीं पसंद नहीं आ रहा, नहीं अंकल जी यार कुछ और दिखाओ. मैंने बोला यार ये दिखाओ, अंकल ने दिखाया. मैंने जैसे ही पहना तो अच्छा ये बताओ क्या मैं पढ़ाकू बच्चा तो नहीं लग रहा, क्योंकि होता है ना कोई जो पहनता है वो लगता है कि भाई कोई प्रोफेसर आ गया या कोई पढ़ाकू बच्चा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. तो आज मैं इसे पहनने वाला हूँ कम से कम 4 से 5 घंटे और फिर देखते हैं कि कैसा रिजल्ट आता है. ठीक है जो भी फाइनल होगा मैं बताता हूँ आपको. चलो चलते हैं पढ़ाई करने. इनके बज रहे हैं 1:15. लो जी रिव्यू देने से पहले कपड़े सुखाया जा. चलो पहले धूप में कपड़े सुखा कर आते हैं. इसको मैं पहन लिया अभी 1:15 और अब शाम तक पहन के रखूँगा 3 से 4 घंटे तक, काम भी करूँगा फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है. ठीक है चलते हैं पहले कपड़े सुखाने. अभी छत पर आ गया हूँ मैं और धूप काफ़ी हो रही है तो अभी कपड़े सुखाता हूँ. पहले फ़ोन को रख देता हूँ मैं यहाँ पर. यार शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी तक मैंने अपना स्पेक्स लगा रखा है. तो शाम के 6 बज रहे हैं और पहले दिन का मेरा स्पेक्स लगाने का जो एक्सपीरियंस था वो ठीक ठाक ही था. मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा था, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा था, लेकिन हाँ ठीक ठाक ही था क्योंकि फर्स्ट टाइम स्पेक्स यूज़ करे तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी. ठीक है जैसे कि फर्स्ट देखा जाए तो कलर्स का जो मैं ओरिजिनल कलर देख सकता हूँ अभी रिसेंटली, जैसे ब्राउन है तो ब्राउन ही है वो,
और अगर मैं स्पेक्स लगाने के बाद देख रहा हूँ तो वो हाँ फ़र्क आया, 19-20 नहीं, मैं 21-22 कहूँगा, लेकिन फ़र्क आया है। और सेकंड मेरे ईयर पे पेन होने लगा पहले दिन ही, और यहाँ पे नोज़ के यहाँ पे डार्क स्पॉट भी आ गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग है तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो मेरे लिए बहुत मेन था, क्योंकि जब मैंने स्पेक्स हटाया एकदम से ही 3 से 4 घंटे बाद, तो एकदम से ब्लरनेस आने लगा आई के सामने, ब्लरनेस आने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो क्लियर हो गया था। मैं तो डर गया था भाई कि क्या चश्मे वाले ने कौन सा चश्मा दे दिया। फिर हाँ थोड़ा बात ठीक हो गया था, नॉर्मल हो गया था। तो यही था ओवरऑल फर्स्ट डे का मेरा। अब देखते हैं कल क्या होता है, कल भी मैं यूज़ करने वाला हूँ इसको, तो कल मिलते हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। सारे सीन मेरे साथ ही होते हैं क्या? चश्मा टूट गया यार मेरा, नया का नया, अभी परसों लाया था चश्मा, आज एक दिन पहना, आज टूट गया। इतना दिमाग की धनी हुई है कि बताओ क्या करूँ मैं। मेरे को सच में बहुत बुरा लग रहा है यार, मेरा नया का नया चश्मा टूट गया, उसकी मतलब डंडी ही अलग हो गई पूरी। पर अच्छी बात ये है कि मेरे हाथ से नहीं टूटा, ना किसी फैमिली मेम्बर के हाथ से टूटा, वो शॉप वाले से ही टूटा है। अगर हमारे हाथ से टूटा होता तो मुझे नया चश्मा नहीं मिलता। पर हाँ उन्हीं अंकल से टूटा है तो नया चश्मा ऑफकोर्स देंगे वो। तो यार पूरी मेन बात ये है, उस चश्मे में मेरे को कलर्स डिफरेंट दिख रहे थे। वो जो ग्लासेस थे ना वो थे कोडिंग वाले, मतलब उसमें जो भी मैं ट्यूब देख रहा था जैसे वाइट है, ठीक है, तो जैसे ही मैं ट्यूब को हटा के देख रहा हूँ तो वाइट दिख रही है, चश्मा लगा रहा हूँ तो वही ब्लू दिख रही है। तो उसमें ग्लासेस में कोडिंग हुई हुई थी, तो मैं गया दुकान वाले भैया के पास, मैंने उन्हें बोला कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्होंने बोला ठीक है तो ठीक हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है अंकल कर दो। तो यार उन्होंने मतलब मैंने बोला इसकी डंडी भी मतलब को थोड़ा सा चुभ रहा है इधर से, तो वो ठीक कर रहे थे। अब वो मेरा जो फ्रेम था वो था मेटल का, ठीक है, बहुत भारी था वो, तो वो ठीक बस ये मोड़े थे, डंडी टूट गई पूरी। बड़ा मैं देखता रह गया ये क्या हो गया यार। अंकल बोले कोई बात नहीं दूसरा फ्रेम देख लो। मैंने बोला यार मैंने पहले ही कुछ समझ नहीं आया था, मेरे को फ्रेम यही अच्छा लग रहा था एक, अब और तो मेरे को समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी। फिर मुश्किल से जाके मेरे को एक समझ आया। ये ठीक लग रहे अब इतनी मुश्किल से मुझे ये समझ आए तो ठीक है अब। पर हाँ फर्स्ट चॉइस तो फर्स्ट ही होती है, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी और वो ही ज़्यादा अच्छी थी। पर हाँ ये भी ठीक ही है यार, अब क्या ही बोलूँ मैं इसके आगे। और इसमें कलर्स भी सही दिख रहे हैं और ज़्यादा इशू भी नहीं है, और लाइट भी है बहुत ज़्यादा हल्का है। वो तो बहुत भारी था क्योंकि वो मेटल का था। धूप हो रही है छत पर और इसके बेजल्स भी बहुत पतले हैं। उसके साइड में बाउंड्री जो थी बहुत वो अलग ही था यार, पर ठीक है ये भी बहुत अच्छा है। तो ठीक है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब यही है मेरा स्पेक्स, जब भी कंप्यूटर पे काम करने बैठूँगा तब लगा के बैठूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय।